हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डीजीपी बिहार बोल रहा हूँ, गुप्तेश्वर पांडे। जी जयंत सर, जी आप जयंत सर, रोसड़ा के ऑफिसर इंचार्ज बोल रहे हैं? जी जी सर, वो प्रार्थना प्रभारी बोल रहे सर। आप, लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपके यहाँ? चल रहा सर, ठीक चल रहा है। लॉकडाउन मेरा तो जिला पड़ता है सर, बेगूसराय बॉर्डर पे, यहाँ पे रोसड़ा में है, लगाए हैं बैरियर यहाँ बेगूसराय पे का आपका बॉर्डर है, बेगूसराय में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सील है, तो उसको पूरा अच्छी तरह से सील किए हैं आप लोग ना? जी सर। जी सर, यहाँ सील किया गया, मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं 3 शिफ्ट में, और 2 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी और अफसर और और पुलिस आप, सिपाही को दिया गया। हाँ, ना आपकी तो हम बहुत तारीफ सुनते हैं, आप बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर सर तो सर का आपको आशीर्वाद है। कोई व्यक्तिगत कोई कठिनाई है तो बताइए। नहीं सर, सब ठीक है, सर का आशीर्वाद से सब ठीक है। बाल बच्चा परिवार की कहाँ है? और सर सब बेगूसराय में है, अच्छा, बेगूसराय ही कितने घर बच्चे पर हैं सर, आपके? अच्छा, 2 लड़की है सर। जी आप पत्नी भी बेगूसराय में है? जी वो भी बेगूसराय में। उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं ना? उन लोगों को घबराहट होती होगी? बात भी दिन करते रहते हैं सर। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बेगूसराय एसपी को बोल देंगे, वो अपने यहाँ देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर सर जी सर, और कहाँ ड्यूटी है अभी आपकी, कहाँ लगे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो सर डीएम साहब, एसपी साहब का वीसी था, उसी में आए हुए थे, जस्ट वीसी अभी खत्म हुआ है। वो एसडीओ साहब के अच्छा, चेंबर में आए थे, वो 60 वर्ष प्लस वाले जो भी एसडीपीओ साहब के यहाँ आए हैं? एसडीपीओ साहब भी हैं सर, एसडीओ साहब भी हैं, उन्हीं के यहाँ आए। एसडीपीओ साहब से, एसडीओ साहब से दोनों आदमी से बात कराइए, एसडीपीओ साहब को दीजिए। क्या जी सर, सर नाम है आपका? कुंदन है? नहीं नहीं सर, शहरयार सर। शहरयार, अभी तो आप गए थोड़ा जी दिन जी पहले, जी जी कैसा चल रहा है वहां शहरयार? हाँ ठीक है सर, सर का आशीर्वाद है सर, और सर के जो भी आदेश और निर्देश हो रहा है सर, उसका हम लोग पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं सर। बाल बच्चा परिवार, आप शहरयार भाई कहाँ है अभी आपका? पटना में सर, अकेले ही हैं सर यहाँ अच्छा, पे सर। तो अपने बाल बच्चों का कोई ख्याल रखते हैं? फोन उनसे बात करते रहते हैं? जी सर, जी सर, रेगुलर बात होती है सर, उन लोग का रेगुलर कोई खबर। दिक्कत होगी तो यहाँ पटना में आप बोलिएगा, हम सीनियर एसपी को बोल रहे हैं, जी और सर वहाँ सर ड्यूटी आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? जी सर, पूरा मेहनत कर रहे हैं सर। कुछ अपराधी घटनाएं भी हो गई थी सर, बिथान वगैरह में, तो उसमें भी कार्रवाई किया गया सर, 10 अपराधियों को पकड़ के हथियार के साथ भेजा गया सर उसमें। बहुत बढ़िया काम करिए, बहुत अच्छे से काम करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी सर, इनोसेंट आदमी को, पब्लिक को बिना वजह किसी को पीटना नहीं है, जी सर, लेकिन लफुओं को, बदमाशों को, लफंगों को छोड़ना भी नहीं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी है, जी सर, अपना बचाव भी करना है, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, जी सर, एक एक सिपाही की सुरक्षा का ध्यान रखना है। जी सर, जी सर, और कौन है वहाँ? और एसडीओ साहब हैं सर। जी प्रणाम सर, सर प्रणाम, क्या नाम है एसडीओ साहब आपका? अमन कुमार सुमन। अच्छा सुमन जी, सब ठीक ठाक है ना आपके अनुमंडल में? जी, बिल्कुल सर, आशीर्वाद है सर, कहीं कोई दिक्कत आप नहीं। लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई हम लोगों के जानने लायक या सरकार तक पहुंचाने लायक कोई बात हो तो जी बताइएगा, सर, सर बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम बढ़िया से आप लोग काम करिए, पुलिस पर, मैजिस्ट्रेट पर, और सर सर मेडिकल ऑफिसर, स्वास्थ्य वर्कर पर, कहीं कोई बदमाशी करता है उसके खिलाफ जितना टफ एक्शन होना है सर, वो लेना चाहिए। जी, सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाएं और जातीय या सांप्रदायिक विद्वेष फैलाएं, तुरंत FIR करके उनको बंद करना चाहिए, सर सर सर, और लॉकडाउन के नियम को। और सब ठीक ठाक है, आप लोग कुशल हैं? जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, वो थाना ठीक, प्रभारी होंगे, उनको दे दीजिए। हाँ हाँ दे रहे सर, प्रणाम सर। ठीक है, जो साहब से बात हो गई, DSP साहब से बात हो गई, आपसे भी बात हो गई, और कोई है वहाँ? नहीं सर, और तभी कोई नहीं है सर। चल ठीक से, मन से काम करिए आप लोग, कोई जी दिक्कत हो सर हमको सर, बताइए, बहुत बहादुरी से आप लोग काम कर रहे हैं, जी सर ये सर, पुलिस के लिए सेवा करके जनता का दिल जीतने का टाइम है, सेवा करिए, जी जो सर, गरीब हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, किसी को रोटी नहीं, किसी को दवा नहीं, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है, किसी तरह की कोई जरूरत है, उसमें सर सर जितनी मदद हो सकती है मदद करिए, सेवा सर से सर जनता का दिल जीतिए, सर जनता सर के दिल में अपने लिए इज्जत पैदा कीजिए, ठीक है? सर सर आप सरकार बहुत अच्छा काम,
कर रहे हैं थाना प्रभारी जी, आपके बारे में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करिए, दारू माफियाओं पर भी ध्यान रखिएगा सर, सर और अपराधियों पर भी, ठीक है सर, सर सर के ही सर प्रेरणा से सर काम करते हैं, सर का जिस तरह से देखते हैं सर सक्रियता, हम लोगों में संजीवनी का प्रसार हो जाता है सर, सर का एक वक्त हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है सर। नहीं ठीक है, सब लोग हम लोग एक परिवार है, मिलजुल करके अच्छा काम करना चाहिए, बिहार की जनता की सेवा करने का मौका है, चुकना नहीं चाहिए सर। चलिए जय हिंद जी, जय हिंद।